जय हिंद दोस्तों। सो नेक्स्ट पार्ट इज हाउ टू सेट अप एड्रेस ऑन योर बुक। लाइक आई हैव दिस सिंपल एड्रेस, दिस इज द सिंपल एंड द बेस्ट वन। सो यू कैन बाय एनी ऑफ देम फ्रॉम द मार्केट। सो दिस वन इज ट्रॉफी टेकर, मोस्ट ऑफ आवर आर्चर्स दे आर यूजिंग दिस। सो वेन एवर यू आर गोइंग टू सेट अप योर एड्रेस, देन you just need to measure, like your arrows should be on the center of this point. So here is the screw, aap screw ko yahan se tight karne ke liye yahan pe arrows press ko yahan pe set kare, set karne ke baad try kare isko tight karne ke baad ek arrow aap use kar sakte hain। ये बोल्ट स्केल के साथ भी पॉसिबल है, बट इसको आप एरो के साथ यूज करें। और यहां से आप देख सकते हैं कि आपका एरो रेस्ट, एरो आपका सेंटर में है या नहीं, जैसे आप अभी देखेंगे। सो जो मेरा एरो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, सो माय पॉइंट इज गोइंग डाउनवर्ड। सो व्हाट वी नीड टू डू इज just move my arrows a little bit up, and the important thing is my arrow should be cut the center part of that hole for zero measurement, and the other thing is the direction of the blade should be not very high or not very low, like you see it's very high, so it can damage your blade, and it, like ये proper अच्छे से इससे tune नहीं हो सकता, और आपका जो blades हैं उसके ऊपर भी इसका effect पड़ता है। So कभी भी इसको ज़्यादा नीचे या फिर अगर दूसरी तरफ है, जैसे इसको move कर सकते हैं हम ज़्यादा ऊपर की तरफ जहाँ पे angle कम हो जाता है, वो भी नहीं होना चाहिए। So अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ से जो एंगल है एरो रेस्ट ब्लेड का कम भी नहीं होना चाहिए, अगर कम होगा तो अपनी फ्लैचेस आपकी टच होंगी और डेट इज नॉट रिकमेंडेबल। सो माय रिकमेंडेशन इज एंगल उतना ही रखिए जितना सफिशिएंट है, और आपका जो एरो है वो सेंटर पार्ट, जो सेंटर पार्ट को कट करें और इसके सेंटर में आप रखें, और इसको प्रॉपरली यहां से आप टाइट कर सकते हैं। सो ये आपका एड्रेस यहां पे ऐसे लगा है। सो इसमें सेकंड एडजस्टमेंट है जो ये हमने सेटिंग किया, ये है अप एंड डाउन, जिसमें कि हम एरो को अप एंड डाउन कर सकते हैं। काफी जो एड्रेस है जिसमें कि अपना आप सेटिंग कर सकते हैं, जिससे कि आप माइनर एडजस्टमेंट्स के साथ आ रहा है वो, इसी का जैसे SS Pro प्रोफेसर और बिटर्स का एड्रेस है वो भी काफी अच्छा है, जिससे आप माइनर ट्यूनिंग कर सकते हैं, माइनर सेटअप कर सकते हैं। सो सेकंड पार्ट इज लेफ्ट और राइट। सो लेफ्ट और राइट के लिए यहाँ पे एक स्क्रू दिया गया है, इस स्क्रू को आप लूज करें, लूज करने के बाद आप इस एड्रेस को लेफ्ट और राइट मूव कर सकते हैं। देखिए आपका एरो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ मूव हो रहा है। सो कहाँ पे आपने सेट करना है, सो फॉर द बिगनिंग इट्स रिकमेंडेशन, माई रिकमेंडेशन इज ओनली गो फॉर 20 to 21 or 22, द मैक्सिमम इज 22। सो यूज योर बो स्केल एंड डू इट लाइक दिस। सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू सेट अप दिस ऑन 22। सो आपका इसमें क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज 22। So this is the length. So
यहां से हमने स्टार्ट किया 30 से, 30 से लेके 28 तक इज 20 एंड 1 इज 21 22। सो मैंने अभी 22 के ऊपर सेटअप किया। तो इस तरह से हम अपना एरो रेस्ट सेट कर सकते हैं।